हेलो मुंबई, सक्सेस मंत्रा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं लखानी बिल्डर्स के चेयरमैन श्री विजय लखानी जी। दिस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेस फिल्म्स, डिजाइन बाय सुधीर अत्तावर। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है, तो आइए सुनते हैं विजय लखानी जी की कहानी उनकी जुबानी। सबसे पहले धन्यवाद आपको देता हूँ मैं, जो लोगों ने अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे आए हैं, उन लोगों को और आगे लाना, उनकी पहचान कराना और उससे दूसरे लोग इंस्पायर कैसे हो सकते हैं, वो अपने लिए कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये काम आपने जो स्टार्ट किया है उसके लिए मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। हर इंसान की सक्सेस के पीछे ज़रूर कुछ कहानी होती है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से इंसान आगे आता है। वो कहते हैं कि तकदीर से सब कुछ होता है, ये बात तो सही है, लेकिन तकदीर बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो हर इंसान नहीं करता है। हम सब जो इतना आगे आए हैं वो अपनी मेहनत के करके सब कुछ करके यहाँ पहुँचे हैं। मेरे जीवन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ बिजनेस में रखा। हम चार भाई हैं, हमें चारों को बिजनेस में साथ में रखा। वो एक सिद्धांतवादी इंसान थे, बिजनेस के कल्चर को फॉलो करके बिजनेस करते थे और उन्होंने हमें ये बिजनेस करना सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। हमारे एरिया के जितने भी बिजनेसमैन थे वो उनको हमेशा आगे रखते थे, कोई डिस्कस करना हो, कोई सलाह लेनी हो, कोई मशवरा करना हो तो उनको हर तरीके की मदद किया करते थे। ना कि एक बिजनेस में जिस तरह कंपटीशन होती है दूसरे को गिराना, खुद को आगे बढ़ाना, वैसा डैडी कभी नहीं करते थे। और यही शिक्षा मुझे जो डैडी से मिली कि सबको साथ लेके चलो, सब लोगों को सपोर्ट दो, बिजनेस में सब लोग आगे आएंगे तो ओवरऑल सबका फ़ायदा होगा। हम जिस जगह रहते हैं, हम जिस इंडस्ट्री में रहते हैं उसकी प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है। इस चीज़ को डैडी का जो था मैंने आज भी उसको फॉलो करके साथ में रखा हूँ और अपनी मेरी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आज मैं MCHI करडाई का प्रेसिडेंट हूँ। मैं लोगों को सबको साथ में लेने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ और उनको भी यही सिखाता हूँ कि जो हमारे छोटी लेवल के बिल्डर्स हैं उनको हमने साथ देने दे के आगे लाना हमारी ड्यूटी में आता है। उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को क्लियर करा के देना हम सीनियर जो बिल्डर्स हैं उन लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बचपन में विजय लखानी जी ने कुछ सोचा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें कहाँ लेके गई? मुझे USA जाने का बहुत शौक था कि मैं US जाके वहाँ बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा। लेकिन डैडी कहते थे नहीं, परिवार को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, आई विल नॉट अलाउ यू। तो मैंने कहा ठीक है, डैडी नहीं चाहते तो नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे जब बिजनेस में डाला, मैंने अपने मन में प्रण किया था कि मैं अपने हाथ से, अपने मेहनत से जिस दिन 1,00,000 रुपये कमाऊँगा तो मैं लखपति बन जाऊँगा और उसके बाद मैं काम ही नहीं करूँगा। ये मेरी बचपन की सोच थी। वो 1,00,000 रुपये आज तक मैं कमा के पूरा नहीं कर पाया हूँ। उस बिज़नेस के एक क्या कहते हैं चक्रव्यूह में ऐसे आ गए, फिर वो बिज़नेस तो ब्लड में था ही, फिर बिज़नेस में एक बार आने के बाद तो आगे बढ़ने की एक रेस है, उस रेस के अंदर आ गए। परिवार पूरा था, भाई थे, बच्चे थे, सब लोग बिज़नेस में आ गए। अगर मैं आज रिटायर होकर जाना भी चाहूँ तो आई एम श्योर मैं घर में बैठ के भी मैं कुछ तो ज़रूर करता रहूँगा, आराम से बैठ नहीं पाऊंगा। वो एक ब्लड के अंदर चीज बिजनेस करना आगे आ चुकी है। पीछे मुड़कर अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए मैं आज अगर उस उतना पीछे जाके सोचता हूँ कि हम कॉलेज के ज़माने में पढ़ाई कम और कुछ अलग ज़्यादा करते थे तो एक डर सा लगने लगता है कि कहीं आज के यंगस्टर्स कॉलेजेस में जाके वही कुछ करेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा। चलो, मेरी एक परिवार था पेरेंट्स से जिन्होंने हमें कंट्रोल किया, बिजनेस में डाल दिया, हम तो सही लाइन पे आ गए। लेकिन एक मेरे मन में हमेशा एक ये फील रहता ही है कि यंगस्टर्स को किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रखा जाए और स्कूल कॉलेजेस में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि यंगस्टर्स गलत रास्तों पे ना जाएं। कुछ लोग ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जिनका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके ब्लड में वो चीज़ें चली जाती हैं जो कॉलेजेस में माहौल उनको मिलता है।
कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आ जाते हैं, या उनकी शिक्षा के हिसाब से, उनके घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो उन चीज़ों से ऑटोमेटिक भी निकल जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है। विजय लखानी जी की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। मैंने अपने यंग एज में, यंग लाइफ में, जिस तरह सबके अंदर एक जोश होता है, जोश बिजनेस करना या काम करने का नहीं, पागलपन का जोश होता है जो कि इंसान को बहुत ही एक डेंजरस लेवल तक लेके जाता है। मैं उसमें से अगर कुछ चीज़ें शेयर करूं तो ड्राइव करना, तो इतना क्रेज से ड्राइव करना कि मुझसे बड़ा कोई ड्राइवर नहीं है। मतलब जैसे मौत के कुएं में लोग गाड़ी चलाते हैं, यंग एज यंगस्टर्स को गाड़ी चलाने को जैसे शौक होता है, वो गलत है। वो हमारा जोश है, वो सिर्फ समझदारी नहीं है, जो कि कभी भी किसी में नहीं होनी चाहिए। मैं जिस लेवल पे बाइक या कार चलाना या इन चीज़ों में जाते थे, आज कभी भी मैं उसको सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार मैं आज जिंदा हूँ तो पता नहीं कैसे हूँ। अगर उस तरीके का जोश में ये हरकतें जो हमने की थी, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे यंगस्टर्स लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जोश में आकर कभी भी, ड्राइविंग तो दूर की बात है, बाकी जो हरकतें होती हैं यंगस्टर्स लोगों की, वो ना करें। उन चीज़ों में नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर एक कामयाब इंसान के पीछे उनके परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे पिताजी का नाम सतराम दास था, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग इंसान थे, जिनको आज भी मैं मिस करता हूँ। मेरी माताजी गोकुल उनका नाम था, मैंने मेरे बंगलो, मेरी बिल्डिंग जिसमें हम पूरा मेरा परिवार रहता है, हमने उनका नाम भी मेरी माताजी के नाम से रखा है कि वो रहें या ना रहें, उनका नाम हमेशा रहे, और मैं जब घर के अंदर प्रवेश करूं तो मेरी माताजी का नाम मेरे सामने आना चाहिए। मेरी माता और पिता दोनों को जब मैं याद करता हूं, वो किस तरीके से ह्यूमनिटी फैलाया करते थे, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि काश सब लोग ऐसे हों तो ये दुनिया एक सुरग के समान बन सकती है। उसके बाद मेरे भाई हैं डॉक्टर विशन लखानी, उनका भी वही डैडी की तरह हमें हमेशा रहा है। मेरी वाइफ मेरी माँ की तरह एकदम, उनको भी मैं अगर भगवान की तरह अगर मानूँ तो वो हैं, और उनकी कभी मुझे ऐसी तकलीफ नहीं आई कि मुझे बिजनेस में कहीं रुकावट हो, या मेरी पर्सनल लाइफ में रुकावट हो, या मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन आई हूँ कि मैं ऐसा फील करूँ यार ये बीवियाँ होती ही ऐसी हैं, लोग कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ नहीं, बीवियाँ भगवान समान होती हैं, वही हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। उनको जिस तरीके से आप संभालेंगे उस तरीके का वो आपको सामने से रिटर्न देंगी, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। कहते हैं कि जैसे आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी कमाई है, जो अर्निंग है, वो मेरे बच्चे हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ। अच्छाई और सच्चाई को आगे बढ़ाने में एक संतुष्टि मिलती है। अगर सच पूछें तो अच्छाई और सच्चाई को आगे बढ़ाना मेरी हॉबी रही है। वो सिर्फ सक्सेसफुली मैं तब कर पाता हूँ जब मैं लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा जो है वो कंटिन्यू रहता है, तब मैं उस मेरी हॉबी को कंप्लीट कर पाता हूँ। मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी अलग अलग हॉबीज़ हैं, गाना बजाना ये सब चीज़ें, वो एक छोटा सा शौक है। समाज की गति और स्थितियों के बारे में आइए सुनते हैं विजय लखानी जी का योगदान। मेरे एक फ्रेंड हैं जगदीश यादव जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि हम गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को संभालने का काम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे ट्रस्ट बनाकर उसमें हमने अनाथ बच्चों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। आज 450 बच्चे हमारे वो दोस्त जो जगदीश यादव जी हैं उनकी मेहनत से और उनके डिवोशन से आज 450 बच्चों को, अनाथ बच्चों को, लड़के और लड़कियां हैं जिनको हम एजुकेशन बोलेंगे, रहने के लिए, खाने के लिए, क्लॉथिंग, उनकी हर तरीके की ट्रेनिंग, सब कुछ सिखाना, उनको आगे बढ़ाना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुंचाना, कॉलेज में से भी पास होने के बाद उनको किसी काम पे लगाना, और जो लोग किसी रीज़न से अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं उनको छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल के देना। हम बहुत जगह पर पैसा तो खर्च करते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती खर्च करने के बाद भी। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर खर्चा करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमारी मदद से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।
दिल का दर्द अपनी जुबान से बाहर भी निकाल सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह और हर इंसान से शेयर नहीं किया जा सकता है। ऊपर वाले ने हमारे संगीतकार और सिंगर हैं इन लोगों को एक ऐसी कला दे दी है कि लोगों को अपना दर्द शेयर करना और निकालने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया गया है। और गाना गाना, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे शौक हो, एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने दिल का दर्द अपनी जबान से बाहर भी निकाल सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ओल्ड सिंगर जो हैं उन्होंने जो गाया है वो अगर सच पूछिए तो उनको सुनने से एक एनर्जी आती है। मैं उस लेवल तक उन पुराने कलाकार लोगों के गाने, सिंगर लोगों के सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी दिल करता है अकेले में बैठ के उन गानों को सुना जाए और ख़ुद को एनर्जाइज किया जाए, फिर उन गानों को कभी गुनगुनाने को दिल भी करता है। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। विजय लखानी जी का सक्सेस मंत्रा। मेरा सक्सेस मंत्रा यही रहेगा कि जोत से जोत जगा के आगे बढ़ सकते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी जाके मशाल लेके वहाँ पहुँच नहीं सकता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह ही होता है। हम हमारी ज़िंदगी में अगर खुद सक्सेसफुल बने हैं तो दूसरों को सक्सेसफुल बना सकें। खुद किंग ना बने, किंग मेकर बने और दूसरों को किंग बनाएं का जो फार्मूला है मुझे मेरे डैडी ने जो सिखाया था, बताया था, ये सब लोग इस तरह करेंगे, यही सक्सेस मंत्रा मेरा भी है और सबका रहना चाहिए। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलावा लाने की सोच रखते हैं। कुछ इसी तरह के शब्दों और कुछ इसी तरह के भावों को हम परिभाषित कर सकते हैं विजय लखानी जी की शख्सियत से। ये थी विजय लखानी जी के जीवन की कुछ झलकियां। तो मिलते हैं अगली बार एक नई शख्सियत के साथ हमारे कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा में। मैं रेनु आप सबसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। This program produced by Success Films, composed by Vidyadhar Shetty, conceptualized and designed by Sudhir Attawar. Success Mantra.